नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं मछली की रेसिपी आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। मैंने मछली को बहुत ही अच्छे तरीके से धो लिया है दोस्तों। अब मैं इसमें नमक और हल्दी मिला के इसे अच्छी तरह से मिला लूँगी और इसे 5 मिनट ढक के रख दूँगी। अब मैं इधर मछली के लिए मसाले तैयार करूँगी। मैंने एक कटोरी ले ली है और 4 चम्मच में धनिया जीरा पाउडर ले रही हूँ और दोस्तों 1.5 चम्मच में कश्मीरी लाल मिर्च ले ली और 2 चम्मच मैंने तीखी लाल मिर्च ली है। थोड़ी सी तीखी मछली होती है तो अच्छी लगती है। 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1 पैकेट मछली मसाला मैंने बाजार से पैकेट का लिया है दोस्तों, और हल्दी पाउडर 1.5 चम्मच और नमक स्वाद अनुसार। अब मैं पानी देके इसे अच्छे से पेस्ट बना के रख दूंगी। और दोस्तों मैंने 4 बड़े प्याज और 1 टमाटर का भी पेस्ट तैयार कर लिया है और थोड़ी सी सरसों का भी मैंने पेस्ट तैयार किया है। कढ़ाई रखे, कढ़ाई गर्म हो चुकी है दोस्तों, तेल भी गर्म हो गई है। अब मैं इसमें मछली दे रही हूँ। अच्छे से भूनूंगी लाल लाल करके। एक तरफ हो गया है तो मैं दूसरी तरफ पलट रही हूँ दोस्तों। मछली थोड़ी सी लाल होगी तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा और देखने में भी बहुत अच्छी लगेगी। देखिए मछली दोनों तरफ से भून चुका है दोस्तों। अब मैं इसे एक थाली में निकाल लेती हूँ। अब मैं सारी मछली को फिर से भून लेती हूँ। सारी मछली भून गई है दोस्तों। उसी तेल में मैं जीरा और 2 सूखी लाल मिर्च जो तोड़ के मैंने दी, ये थोड़ी सी भून गई है। 1 प्याज मैंने कट करके रखा था दोस्तों, अब मैंने वो भी दे दी। थोड़ी देर ये भी भून जाएगी तब मैं इसमें मसाले जो मैंने घोल के पेस्ट बना के रखी थी अब वो डाल देती हूँ। मैं इसे अच्छे तरह से चला के और मसाला को अच्छी तरह से भूनूंगी। मेरा मसाला भून गया है, आप सब देख ही सकते हैं दोस्तों। अब मैं इसमें प्याज और टमाटर का भी पेस्ट डाल देती हूँ और इसे भी अच्छे तरह से भूनूंगी। और 1 चम्मच मैं सरसों का पेस्ट भी डाल देती हूँ। सबको मैं अच्छे तरह से थोड़ी देर मसाले को भूनूंगी जब तक कि तेल नहीं छोड़े। और उसी मसाले वाले कटोरी में मैंने पानी देके थोड़ी सी पानी दे दी हूँ और फिर ऊपर से भी मैं पानी दूंगी। जितना आपको ग्रेवी रखना हो दोस्तों आप उतना ही ग्रेवी रखें। मैंने इसे अच्छी तरह से मिला लिया है और उबाल आने देती हूँ। उबाल आ चुकी है दोस्तों, आप देख ही सकते हैं। अब मैं इसमें मछली मिला दूंगी। सारी मछली मैंने दे दी। अब इसे अच्छी तरह से चला के फिर से इसमें एक उबाल आने देती हूँ। उबाल आ चुकी है दोस्तों। अब मैं इसमें धनिया के पत्ते मिला दूंगी और इसे फिर से एक बार अच्छी तरह से चला लूंगी। मेरी मछली की रेसिपी आप सबको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। थैंक यू। और हाँ दोस्तों, मैं तो भूल ही गई, आप लोग मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के घंटे को भी दबा दीजिएगा। थैंक यू।